भैया महंगे से महंगा फोन दिखा दो। मैडम कितना ही महंगे से महंगा फोन ले लो, करनी आपको चुगली है। बीवी एक तो जीने नहीं देती, बीवी एक तो जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं आप? कौन? मैं सपना। मैं हकीकत। यार सुन ना, मैंने तेरे बर्थडे के लिए इतने अच्छे कपड़े लिए हैं ना कि तू पूछे ही मत। लाओ दिखाओ। रुक जा, अभी पहन के आता हूँ। अच्छा एक बात पता है? क्या? दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। तो चल फिर हम दोनों माँ बाप बन जाते हैं। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किडनी डोनेट कर सकता है क्या? क्या सोच रहा है वे? भाई दो किडनी और पांच गर्लफ्रेंड। एक और शेर सुनाती हूँ। बको। कर लो तुमसे शादी, ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है, खुदा की कसम मजा आ गया भाई। आगे बोलो। नहीं यहीं रोक दो बस। यही खत्म, मुझे यहीं उतार दो बस। भजन सिंह मुझे दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करना, वरना कैरम बोर्ड तुम्हारे सामने होगा लेकिन स्ट्राइकर चलाने के लिए तुम्हारी हथेली पर उंगलियां नहीं रहे। रिसर्च से पता लगा है कि वाइफ से बात करने से इंसान की टेंशन कम होती है और माइंड 90% रिलैक्स रहता है। बस एक बात का ध्यान रखें, वाइफ अपनी ना हो। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? हेलो। हेलो, कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? 3 घंटे से मेरा नेट नहीं चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूँ? 3 घंटे से नेट नहीं चल रहा है, ओके ओके, तो मैडम घर का काम कर लो ना फिर कोई। हाँ? बेबी देखो ना, वो लड़का लड़की को कितना प्यार कर रहा है। तो तुम तो करते ही नहीं हो। बेबी मैं भी करना चाहता हूँ पर मैं वो लड़की को जानता ही नहीं हूँ। कुछ लोग सारी सारी रात अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हैं, हमारी रात तो यही सोचने में निकल जाती है कि अगर रात में मच्छर ना होते तो रात कितनी खूबसूरत होती। सोचा था वो छोड़ देगी तो मर जाऊंगा पर साला बुखार तक नहीं आया यार। अर्ज किया है? तेरी 9 बहनें हैं तो हुक्म कर। मैं अर्ज कर। कर। अर्ज किया है, कभी आती थी दरवाजे के पीछे से अम्मा की आवाज। साले जिंदा गाड़ दूंगा अगर ऐसा बोला फिर दोबारा। क्या बोला था रे? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करके बोलता था, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को एक सुंदर सी बहू दे दो। प्रार्थना कबूल हुई और मेरे छोटे भाई की शादी हो गई।